ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं, और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, चलो आप लोग फोन रखो, आराम से तो बात करो कौन गेट खुलवा रहे हैं आप, कैसे 10 मिनट से गेट कौन खुलवा रहे हैं आप लोग, ऐसे बिना वारंटी गेट खोलेंगे, वारंट आपको पता है वारंट सील हो चुका है, देखा हुआ वारंट तभी अंदर किया हम लोग, ओके का हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, ये जानना चाहता है। क्या कोई कंस्पिरेसी है सर, जैसे बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री हो या फिर ये सब ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट हो, क्या आप भी ऐसे देखते हैं कि ये कोई, देखिए सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो कुछ नहीं होता है, वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं, और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं। ये कहना आज गलत नहीं होगा, बीबीसी के अगर कृत्य देखें, जिसके उदाहरण मैं आपके समक्ष अभी पेश करूंगा, तो यह पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। लगातार टारगेट करते हैं, वो कह रहे हैं कि 2000 बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के हवाले पर उन्होंने सवाल पे बात कही कि 2002 के बाद हजारों कॉन्स्पिरेसी हुई, लेकिन प्रधानमंत्री और मजबूत होके आए हैं और ज्यादा पॉपुलर होके आए हैं। ठीक है, देखिए उनका कहना ठीक है, जो उनका कहना रहने दीजिएगा, जो हमें कहना है हम करेंगे, उनका धर्म वो निभाए, हमारा धर्म हम निभाएंगे, हम विपक्ष की पार्टी है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार बनता है कि जांच हम कराएं, जांच की मांग कराएं, हम जेबीसी की मांग कर रहे हैं और वो बीबीसी के पीछे पड़े हुए हैं।